Hello friends and welcome back to Chiki's Biology, another video tutorial. In this video tutorial, I am going to discuss about ion torrent sequencing. आज हम लोग बात करेंगे ion torrent sequencing के बारे में और ion torrent sequencing में हम लोग कैसे अपने DNA को अपने RNA को sequence करते हैं और यहाँ पे क्या principle हम लोग use करते हैं ये आज मैं आप लोगों के साथ में अपनी इस video में discuss करूँगा. First of all हम लोग discuss करते हैं कि हम लोग आयन टोरेंट सीक्वेंसिंग को आयन टोरेंट सीक्वेंसिंग क्यों बोलते हैं. तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन के बिहाफ पे सीक्वेंसिंग को करते हैं या सीक्वेंसिंग को हम लोग डिटरमाइन यहाँ पे करते हैं या एस्टिमेट करते हैं या अपने डिफरेंट डिफरेंट सीक्वेंसेज को हम लोग यहाँ पे सीक्वेंस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एच प्लस आयन कंसंट्रेशन. कैसे करते हैं ये आप लोगों के साथ में मैं डिस्कस करूंगा. आप लोग इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखें तभी आप लोग कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे. तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों को पता है कि एक एंड पे अगर हम लोग एक न्यूक्लियोटाइड की बात करें और एक न्यूक्लियोटाइड जब हमारे दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ में जाके बाइंड होता है तो वहाँ पे आप लोगों को पता है कि हमारा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है. फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हमारा बनता है तो कैसे बनता है कि थ्री डैश एंड पे हमारा OH ग्रुप प्रेजेंट होता है हमारे एक न्यूक्लियोटाइड के. अगर हम लोग एक न्यूक्लियोटाइड की बात करें और ये जो एक एंड पे हमारा 3-OH ग्रुप है ये हमारे 5- एंड पे जो हमारा फॉस्फेट ग्रुप है हमारे दूसरे न्यूक्लियोटाइड के वहाँ पे क्या करता है कि हमारे जैसे ये हमारा अल्फा फॉस्फेट है, हमारा बीटा फॉस्फेट है या हमारा गामा फॉस्फेट है, अल्फा फॉस्फेट पे जाके इस एक पर्टिकुलर बॉन्ड को ब्रेक करता है. तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है उस टाइम पे हमारा PPI हमारा पाइरोफॉस्फेट यहाँ पे रिलीज होता है. और जब हमारा ये जो हमारा 3-OH ग्रुप है ये हमारा एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है और इस बॉन्ड को ब्रेक करता है. तो यहाँ पे हमारा जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो यहाँ पे हमारा PPI हमारा रिलीज होता है और हमारा एच प्लस आयन यहाँ पे रिलीज होता है. तो ये यहाँ पे ओवरऑल प्रिंसिपल है आयन टोरेंट सीक्वेंसिंग के केस में. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वूल. जैसे आप लोग ये हमारे यहाँ पे वूल जीनोम है. ठीक है, वूल जीनोम को हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं इसको हम लोग इसको फ्रेगमेंट्स में हम शॉर्टेस्ट फ्रेगमेंट में यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं. इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे एडेप्टर ऐड करते हैं अपने इन शॉर्टेस्ट फ्रेगमेंट में. हम लोग एडेप्टर यहाँ पे अटैच करते हैं और एडेप्टर अटैच करने के बाद हम लोग क्या करते हैं आप लोगों को यहाँ तक ये अंडरस्टैंड करना है. अभी आप लोगों को यहाँ पे ज़्यादा थिंक नहीं करना है. फर्स्ट मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि जो हमारी बीड होती है, ठीक है, हम लोग बहुत सारी बीड्स यूज़ करते हैं और इन बीड्स में हम लोग अपने बहुत सारे DNA के जो सीक्वेंस हमारे होते हैं उनको हम लोग यहाँ पे फर्दर एम्बेडेड करते हैं इन बीड्स की सरफेस पे. ठीक है, और इन सभी सीक्वेंसेस को हम लोग अपने आप से हम लोग इनको सीक्वेंस करते हैं सिंथेटिकली, देन हम लोग यहाँ पे इनको एम्बेडेड करते हैं. अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो हमारे अडेप्टर वाले जो हमारे सीक्वेंस थे जिनको हमें सीक्वेंस करना है उन सभी को हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं. ठीक है, तो जो बीड में हमारा यहाँ पे सीक्वेंस है उस सीक्वेंस का जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगा जिसको हमने अडेप्टर से यहाँ पे लिंक किया है वो अडेप्टर यहाँ पे जाके बाइंड हो जाएगा हमारे उस कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के साथ जो हमारा बीड में प्रजेंट है. ठीक है, और इन बीड्स को दिस बीड्स आर प्लेस्ड इन टीनी वेल्स. हमारे पास में चिप होती है, चिप के अंदर जब हम लोग सीक्वेंस करते हैं आयन टोरेंट सीक्वेंसिंग में हम लोग बहुत सारी चिप्स को वहाँ पे यूज करते हैं और एक चिप के अंदर हमारी बहुत सारी वेल्स वहाँ पे प्रेजेंट रहती हैं और ये वेल्स हमारी बहुत ही टीनी वेल्स होती है और हम लोग इन्हीं टीनी वेल्स के अंदर हम लोग अपनी बीड्स को वहाँ पे पुट करते हैं. और एक चिप के अंदर हमारी बहुत सारी वेल्स होती हैं और हम अपनी उन वेल्स के अंदर अपनी बीड्स को हम लोग ये जो हमारी बीड है जो यहाँ पे रेडी हो गई है इन सभी बीड्स को हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं. ठीक है, और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि चिप कंटेन बिलियंस ऑफ स्मॉल वेल्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बट एट अ टाइम इन ऑल वेल्स वी पुट अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड. अब हम लोग क्या करते हैं फॉर सिक्वेंसिंग हम लोग क्या करते हैं कि आप लोगों को पता है हम लोग बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड हम लोग यूज करते हैं जैसे कि हमारे चार तरह के न्यूक्लियोटाइड हमारे होते हैं जब हम लोग सीक्वेंसिंग करते हैं लाइक हमारा DATP हमारा DGTP हमारा DCTP. ठीक है,
ठीक है। तो इस तरह के हमारे न्यूक्लियोटाइड्स, हमारे फोर टाइप्स के जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनको हम लोग यूज़ करते हैं फॉर सीक्वेंसिंग। बट एट अ टाइम हम लोग एक इन सभी वेल में, जो हमारी यहाँ पे वेल्स हैं, इन सभी वेल्स में हम लोग एक ही न्यूक्लियोटाइड एट अ टाइम पुट करते हैं। इन सभी वेल्स में एट अ टाइम सिंगल न्यूक्लियोटाइड हम लोग पुट करते हैं। तो आप लोगों को पता है कि जो हमारा सिंगल न्यूक्लियोटाइड होगा, जैसे कि यहाँ पे अगर हमारा ए है तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री आप लोगों को पता है, अगर हमने यहाँ पे टी दिया, ठीक है, तो ये इसके साथ में जाके बाइंड हो जाएगा। तो जब ये इसके साथ में जाके बाइंड होगा तो उस टाइम पे ये हमें यहाँ पे एच प्लस आयन हमारा रिलीज हो जाएगा। ये आप लोगों को हमेशा अपने माइंड में मेंशन करके रखना है। बट अगर यहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा सीक्वेंसिंग के दौरान, जब हम लोग वहाँ पे पुट करेंगे, हम लोग इंजेक्ट करेंगे अपने न्यूक्लियोटाइड को, ठीक, अपने फोर टाइप के न्यूक्लियोटाइड में से हम रैंडमली किसी भी एक न्यूक्लियोटाइड को वहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर उसका कॉम्प्लीमेंट्री वहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे जो हमने जो हमारा एडेप्टर वाला सीक्वेंस है वहाँ पे अगर प्रेजेंट है तो उसके साथ में जाके बाइंड होगा, और बाइंड जब होगा उस टाइम पे हमें एक एच प्लस आयन वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अगर उसका कॉम्प्लीमेंट्री वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो वो वहाँ पे जाके बाइंड नहीं होगा, तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो हमें नहीं मिलेगा, तो हमें एच प्लस आयन भी वहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये यहाँ पे हमेशा अपने माइंड में मेंशन करके रखना है। अब जो ये हमारी यहाँ पे जो टीनी वेल्स हैं हमारी, ठीक है, इन टीनी वेल्स के अंदर हमारे आप लोगों को पता है कि इन टीनी वेल्स के अंदर हमारी ये बीड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पे हम लोग क्या करके रखते हैं, इन चिप्स के अंदर हम लोग पहले से ही अपने बहुत सारे सेंसर हम लोग फिट करके रखते हैं, और अपना पीएफ मीटर भी हम लोग यहाँ पे फिट करके रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सेंसिंग के लिए यूज करते हैं सीसीडी सेंसर्स और सीएमएसओ सेंसर्स, ठीक है, जो हमारे सेंस करते हैं एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन को। तो अगर हमारी एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन इन वेल्स के अंदर बढ़ रही है आफ्टर इंजेक्टिंग न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, तो आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि वहाँ पे उस एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड का वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस प्रेजेंट है जो हमने उसमें पुट किया है, जो हमने वेल में अपना न्यूक्लियोटाइड पुट किया है, तो एच प्लस आयन वहाँ पे इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो अब क्या है कि 100 जीबी कैपेबिलिटी ऑफ दिस चिप, इस चिप की जो कैपेबिलिटी है वो 100 जीबी है, और वी स्टार्ट टू 10 MB, और हम लोग 10 MB से स्टार्ट कर सकते हैं और 100 GB तक हम लोग यहाँ पे सीक्वेंसिंग कर सकते हैं, इतने डेटा को हम लोग यहाँ पे रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन व्यू ऑफ चिप, अगर हम लोग बात करें क्रॉस सेक्शन व्यू की चिप के, तो क्या है, दिस लेयर डिटेक्ट द पीएच ऑफ ईच वेल बिकॉज एच प्लस आयन चेंज पीएच, ठीक है। क्या होता है कि एच प्लस आयन जो है, अगर एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ेगी इन सभी वेल्स में बढ़ेगी, तो आप लोगों को पता है कि पीएच जो है वो वहाँ पे कम हो जाएगा, ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं बढ़ेगी तो पीएच एज इट इज रहेगा। तो इससे हमें क्या वहाँ पे, इससे हमें क्या वहाँ पे हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं कि अगर हमने जो अपना न्यूक्लियोटाइड दिया है उसका कॉम्प्लीमेंट्री अगर हमारे पेरेंटल स्टैंड में यहाँ पे अगर प्रेजेंट है तो वो उसके साथ में जाके बाइंड होगा और एच आयन जो है रिलीज होगा, और एच आयन अगर रिलीज होगा तो हम लोग ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि वहाँ पे जो हमने सीक्वेंस, जो हमने न्यूक्लियोटाइड सॉरी दिया है उसका कॉम्प्लीमेंट्री वहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन के बिहाब पे या पीएच के डिटर्मिनेशन के बिहाब पे हम लोग ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि हमारा कौन सा सीक्वेंस हमारे उस एक पेरेंटल स्टैंड में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये और हम लोग यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करते हैं पीएच ड्रॉप, दिस पीएच मॉनिटर, ठीक है, पीएच ड्रॉप को हम लोग मॉनिटर करते हैं। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग यहाँ पे एट अ टाइम अगर हमने डीएटी भी दिया या डीसीटी भी दिया या डीजीटी भी दिया या डी हमने हम लोग यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अपने, जैसे हमारा ए टी जी सी हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड हैं जिनको हम लोग यूज़ करते हैं इन जर्नल, और आप लोगों को इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज़ नहीं होना है। आप लोगों को हमेशा ही इन सभी न्यूक्लियोटाइड्स को अपने माइंड में रखना है, और एट अ टाइम आप लोगों को सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड वहाँ पे इंजेक्ट करना है, ठीक है। अगर टी 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 एड अ टाइम एक ही टाइम पे अगर हम लोग
एट अ टाइम। अगर एक ही टाइम पे हम लोग थ्री एक टाइप की न्यूक्लियोटाइड वहाँ पे इंजेक्ट कर रहे हैं और उसका कॉम्प्लीमेंट्री वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है हमारी वेल में, तो हमें पीएच में कोई चेंज नहीं दिखाई देगा। बट एक ही टाइम में अगर हम लोग एक जैसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड वहाँ पे इंजेक्ट कर रहे हैं और कॉम्प्लीमेंट्री में वो प्रेजेंट है, तो जो पीएच का चेंज होगा वो हम लोगों को बहुत ज़्यादा वहाँ पे मिलेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इट इज़ डील्स विद बेस कॉल। इस टर्म को हम लोग या इस फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं बेस कॉल, लो टाइम टेकिंग प्रोसेस। और आयन टोरेंट जो सिक्वेंसिंग है वो एक तरह से हमारा लो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है। एड न्यूक्लियोटाइड फॉर सिक्वेंसिंग, ईच अटैचमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड इट विल रिलीज वन मॉलिक्यूल ऑफ एच प्लस आयन, ठीक है, यानी हमारा जो हाइड्रोजन आयन है, ठीक है। और आयन सेंसिटिव लेयर, ये हमारी आयन सेंसिटिव लेयर होती है, हमारी चिप में ही होती है, हमारी वेल्स में प्रजेंट होती है आयन सेंसिटिव लेयर। दिस लेयर कैन डिटेक्ट प्रजेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज एच प्लस आयन। हेयर वी यूज सेंसर फॉर सेंसिंग एच प्लस आयन। CCD सेंसर हम लोग यूज़ करते हैं, और मैंने आप लोगों को बताया कि CMSO सेंसर हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा DATP, हमारा यहाँ पे DATP हो गया, हमारा यहाँ पे DCTP हो गया, हमारा यहाँ पे DGTP हो गया, और इस तरह से ही हमारे यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड हम लोग यूज़ करते हैं, एडेनिन, थाइमिन, गवानोसिन और साइटोसिन, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को बिल्कुल भी यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, आप लोगों की कोई क्वेरी है, तो आप लोग उसको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, और आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं चिकीज बायोलॉजी के फेसबुक पेज के साथ, चिकीज बायोलॉजी के इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ, जिसकी लिंक मैं हमेशा ही आप लोगों को अपनी सभी वीडियोज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराता हूँ। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।